दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार ये आपके शरीर के बहुत सारे विकारों को दूर करता है, ये पौष्टिक होता है, इसीलिए आपके शरीर में होने वाली ये खुश्की को दूर करता है, वात को शांत करता है, ये बालों के झड़ने की समस्या को दूर करता है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, खुश्की हो रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों इसके अंदर दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, इसीलिए ये वात के सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां और घुटने लंबी उम्र तक जवान और तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे, तो आप आज से ही इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। सबसे मेन बात यह है कि इसका सेवन करना बहुत ही आसान है। दोस्तों कैल्शियम एक ऐसी चीज है जिसे हमारा शरीर खुद नहीं बनाता, बल्कि इसे बाहर से डाइट के थ्रू लेना ही पड़ता है। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आती है, हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या फिर हमें खुद भी इतनी नॉलेज होती है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दूध अच्छा नहीं लगता या फिर दूध हजम नहीं होता। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है और आपको दूध भी हजम नहीं होता, तो मैं आज आपको ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिसके अंदर दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है और वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास है जिनको ये समस्या है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं हूं दिव्या शर्मा और इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं ऐसी चीज के बारे में जिसमें भर भर कर कैल्शियम भरा हुआ है, इसके अलावा इसे पचाना बहुत आसान है। दोस्तों अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें थकान कमजोरी लगातार बनी रहती है। इस कैल्शियम की कमी होने के कारण बाल झड़ने लगते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगता है, हार्ट रेट जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बीपी मोस्टली हाई रहने लगता है, ज्यादातर हाई रहने लगता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें बहुत सारा कैल्शियम है, तो वो साधारण सी चीज है तिल। तिल के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी को छोड़कर बाकी सभी पोषक तत्व और मिनरल्स मौजूद हैं। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खास बात आपको बता देती हूँ और बाकी फायदे भी आपको बता दूंगी, लेकिन शॉर्ट में जो लोग सुनना चाहते हैं वो एक लाइन में ये चीज समझ ले कि ये हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी शरीर से बाहर कर देगा और हड्डियों को भी मजबूत कर देगा। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, इसके अंदर फैटी एसिड मौजूद है, इसके अंदर विटामिन बी मौजूद है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी मौजूद है। एक आम आदमी को रोजाना का 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है और महिलाओं में तो इसकी जरूरत मेनोपॉज के बाद और भी बढ़ जाती है। अगर तिल का रोजाना सेवन किया जाए तो दोस्तों ये न केवल हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके साथ साथ खून को भी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि मोस्टली महिलाओं के अंदर और बच्चों के अंदर खून की कमी ज्यादा देखी जाती है। आयुर्वेद के अंदर तिल को एनीमिया का यानी कि खून की कमी को दूर करने का एक बहुत ही सस्ता और साधारण सा इलाज बताया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, नींद नहीं आती, यानी कि दिमाग सारा दिन भागता सा रहता है, टेंशन में रहते हैं, उनको भी रोजाना तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, इसके अलावा ये वात के सभी रोगों को ठीक रखेगा। वात के रोगों के कारण अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है या अर्थराइटिस की समस्या हो चुकी है, इसके अलावा हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं तो भी ये ठीक कर देगा। एक चीज आपको और बता दूं कि इस तिल के अंदर सीसेमेन और सीसेमोल होता है जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने का काम करता है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि तिल के अंदर तो तेल होता है और कोलेस्ट्रॉल में तो तेल का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, तो आपको बता दूं कि तिल के अंदर जो तेल पाया जाता है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बढ़ाने का काम नहीं करता, ये एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों ये तिल हमारे शरीर के अंदर गर्माहट को पैदा कर देते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर गर्माहट पैदा हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा और शरीर के अंदर पूरी तरह से जो खून का दौरा है वो सही से होने लगेगा। अब मैंने आपको ये बताना है कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। दोस्तों गर्मियों के दिनों में इसका इस्तेमाल पानी में भिगो कर करना है, क्योंकि तिल की तासीर जैसे कि आप जानते हैं कि वो गर्म होते हैं, तो रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन गुड़ के साथ कीजिए।
गुड़ के साथ जब आप इसका सेवन करेंगे तो इसके फायदे डबल हो जाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो गुड़ है वो जल्दी पचता है। इसके अलावा ये भी खून को बढ़ाने का काम करता है, वात रोगों को दूर करता है, कैल्शियम इसमें अच्छी मात्रा में होता है। जब ये दोनों ऐसी चीजें आपस में मिलेंगी तो ये आपकी बॉडी पर डबल असर करेंगी और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा जो सर्दियों के दिनों में तिल का सेवन किया जाता है, आप इसे सीधा रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट यानी कि भून लीजिए, इसको सीधा भून लीजिए और इसका पाउडर बनाकर दूध के साथ सेवन कर लीजिए। अब इस तिल के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, तो बादाम है, चिया सीड है। आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिए, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनके अंदर का कैल्शियम जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब आपको एक और मेन खास बात बता दूं कि कैल्शियम हम खा रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है ये कैल्शियम हमारे शरीर में पच भी जाए। तो इसके लिए जरूरी है विटामिन डी यानी कि सनलाइट, येलो लाइट। तो आपको क्या करना है, सूरज की धूप के आगे बैठना है। जब सूरज की धूप के आगे आप बैठेंगे, सुबह की सूरज की धूप के आगे, तो बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास सूरज की रोशनी पहुंच पाएगी। अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट है और आपने आधे घंटे की सनलाइट जितना फायदा लेना है, तो आप एक ट्रांसपेरेंट येलो पेपर लीजिए और उसे किसी भी फ्रेम में लगा दीजिए, जैसे लकड़ी का फ्रेम या फिर जैसे भी आप लगा पाएं, उसके पीछे यानी कि वो सनलाइट जो है वो उस येलो पेपर से क्रॉस होकर अगर आपके पास आती है तो आपको डबल फायदा मिलेगा। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।